Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about chapter 8 of Indian Economy जिसका name है Indian Taxation System. इसमें 2 long questions mainly बनते होते हैं and with shorts भी बनेंगे. तो आपको साथ साथ मैं बता दूंगी कौन से long बनते हैं इसमें. Mainly introduction कर लो इसकी. सबसे पहले इसमें हमने क्या बताना है. अब taxation का chapter है तो इसमें direct और indirect tax include होता है. टैक्स क्या होता है. टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है, ना कि ये वॉलंटरली पेमेंट होती है. इसे ये नहीं होता कि जिसका मन किया वो देगा, ये ऑब्लिगेशन होती है कि हर एक पर्सन को देना ही पड़ता है. ठीक है, टैक्स. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है. ये एग्जांपल के तौर पे आप ऐड कर सकते हो. यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की एनी 3 एग्जांपल्स दे देना, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन, गिफ्ट. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, इसे याद कर लो एनी 3. एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, या GST भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी याद हो जाएगा. तो हमने अभी तक पढ़ा इंट्रोडक्शन जिसमें हमारा टैक्स आ रहा था, और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स विद एग्जांपल इसको शो कर देना. नेक्स्ट देखो, फीचर्स क्या है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के. ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है. इसका फर्स्ट पॉइंट है टैक्स रेवेन्यू एंड नेशनल इनकम रेशियो. अब इसमें ये बताया गया है कि टैक्स इनकम रेशियो यहाँ पे इंक्रीज होती रही है. कैसे हम पता कर सकते हैं, ये जो टेबल है इसमें ये शो किया गया है. लाइक अगर टैक्स रेशियो देखें, इन 1950 टू 51 में वो 6.4 थी, देन 60-61 में 9 हो गई, 70-71 में 11.5 हो गई. उसके बाद हमने फर्स्ट के 3 ईयर्स लिखने हैं, एक मिडल का लिखना है और लास्ट के 3 ईयर्स लिखने हैं. ठीक है, मिडल का आप उठा लो 2010-11 का, उसमें 14.7 हो गई. देन लास्ट में देखो 2018-19 में 17.3, देन लास्ट में 2019-20 में 17.4 हो गई. ये इंक्रीज होती रही है टैक्स रेशियो. फर्स्ट फीचर है टैक्सेशन सिस्टम का. सेकंड है मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स करी थी, वो इसमें आप मेंशन कर सकते हो. और इसमें ये भी बताया गया है कि कब GST इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 जुलाई 2017 में. एंड इसमें जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो इसमें सब्स्यूम्ड हो गए थे. ठीक है, मीन्स इंक्लूड हो गए थे, उसका एक सिंगल जो है फॉर्म निकाला गया था GST. नेक्स्ट पॉइंट है शेयर ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस. इस पॉइंट में ये है कि कितना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने शेयर में. अगर 1950 और 51 की बात करें तो वहाँ पे 36.8% डायरेक्ट टैक्सेस थे, एंड ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे, 63.2%. ये इतना इनका शेयर था. ठीक है, 2020 और 21 की बात करें तो वहाँ पर 53% जो है यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस थे, और 47% इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर था. यहाँ पे जो शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का जापान ऑस्ट्रेलिया में वो 70% है. ठीक है, ये ऐड कर देना एक्स्ट्रा लाइन. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ऑन अ फ्यू सिलेक्टेड टैक्सेस. इस पॉइंट में ये है कि आप कौन सा सिलेक्ट करोगे टैक्स. सिर्फ फ्यू ही टैक्सेस सिलेक्ट होते थे. एंड अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स या इनकम टैक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. अगर हम करें कि स्टेट वाइज करें तो लैंड रेवेन्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. पॉइंट है प्रोग्रेसिव. तो ये सबसे ईजी पॉइंट है. इसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम ही टैक्स भरोगे, या फिर आपको एग्जम्पशन दी जाएगी. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, जैसे स्लैब्स बनी होती हैं इनकम टैक्स में, आपको एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको स्लैब्स मिलेंगी कि आपकी अगर इनकम 5 लाख और 250 लाख के बिटवीन है तो आपकी इतनी परसेंट की लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की. वही इसमें बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेस कवरेज. तो इसमें यह है कि मोस्टली पीपल जो हैं वो टैक्स नहीं पे करते, ओनली 5% ही इनकम टैक्स पे करते हैं. तो इसमें यह है. नेक्स्ट है कि टैक्स इवेशन. इवेशन का मतलब है टैक्स देने से बचना. सो इसमें यह है कि अगर जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कलेक्शन टैक्स की, वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, तो पीपल जो है वो इवेट करेंगे कि हम टैक्स दे चुके हैं, या फिर टैक्स से बचने की कोशिश करने लगेंगे. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है नॉन इकोनॉमिकल. जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो नॉन इकोनॉमिकल है, यानी कि गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, वे बहुत सारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो जाता है. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड.
अब जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो सिंप्लिसिटी के प्रिंसिपल पे बेस नहीं करता, यहाँ पे कम्प्लेक्स टैक्स रूल्स होते हैं जो एनेबल नहीं कर पाती अथॉरिटीज़ को या फिर टैक्स पेयर्स को कि इजीली ये सारा प्रोसेस कवर हो जाए ऑफ टैक्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोर रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस देन स्टेट टैक्सेस। से 2019-20 का डेटा देखो, यहाँ पे जो रेवेन्यू है हमारे पास 62.2% है अंडर सेंट्रल टैक्सेस के, 37.8% है अंडर स्टेट टैक्सेस के। कहने का क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल टैक्सेस ज़्यादा हैं और स्टेट टैक्सेस कम है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टोरल इम्बैलेंस। इस पॉइंट में कंपैरिजन किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इसमें ये बताया गया है कि मोस्टली जो यहाँ पे लार्ज रिसोर्सेज हैं वो स्पेंड किए जाते हैं ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फिर भी फोकस उनका जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। यानी कि जो बर्डन है टैक्सेस का वो ये इम्पोज कर देते हैं ऑन इंडस्ट्रियल और अदर सेक्टर्स पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। डिफेक्ट में फर्स्ट पॉइंट आता है अनसाइंटिफिक। जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो अनसाइंटिफिक है और ना ही यहाँ पे कोई प्री डिटरमाइंड प्लान फॉलो किया जाता है और यहाँ पे कोई हीड नहीं प्रोवाइड करी जाती, यानी कि कोई सावधानी नहीं प्रोवाइड करी जाती ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट है इनएडिक्वेट। सो इस पॉइंट में मेनली ये है कि जो हमारा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल सोशल वेलफेयर सर्विसेज लाइक एजुकेशन हेल्थ, ये जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ इक्विटी। इसका मतलब हुआ जो बर्डन है टैक्सेस का वो हैवीली किसके ऊपर होता है, पुअर या मिडिल क्लास के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन की बात करो लाइक GST हो गया, कस्टम ड्यूटी, ई स्टेट ड्यूटीज़ हो गए, और ये मोस्टली किसके ऊपर बर्डन पड़ता है, पुअर के ऊपर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रिचर वन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल GST की होगी जो मेनली बर्डन किस पे डाल रहा है, पुअर के ऊपर देन द रिच। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सिंग गुड्स। इस पॉइंट में ये है कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा GST ऑन 1 जुलाई 2017 को, फिर भी अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं लाइक डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, अल्कोहलिक लिकर, ये सारे कवर नहीं होते GST के अंदर। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी अभी भी उसकी लैकिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टोरल इनइक्वालिटी। इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस करा था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर्स को कंपेयर करके, यानी कि एग्रीकल्चर पे कम बर्डन दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल वन। सिक्स्थ पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड। ये भी पॉइंट हमारा पहले हो चुका है फीचर्स में, यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी होता है उसे फॉलो नहीं करता, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं इसमें, एंड जो टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको टैक्स पर्पस के लिए काम करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफेक्ट्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। अब इतना तो हमें पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्प्टेड होती है। अब कुछ पीपल को क्या करना होता है कि अपना टैक्स अवॉइड करना होता है, तो वो अपनी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ना उसे एग्रीकल्चरल इनकम की तरह शो करते हैं, तो ये भी एक डिफेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है लेस कवरेज। अब यहाँ पे लेस कवरेज क्यों कहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे पेमेंट नहीं करती टैक्स की। नाइन्थ पॉइंट हमारा पहले ही कवर हो चुका है। टेंथ पॉइंट है इनसफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू फॉर लोकल बॉडीज। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं लाइक म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत, उनके लिए कोई भी लोकल टैक्सेस अवेलेबल नहीं होते या फिर सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल नहीं होता। 10 पॉइंट्स यहाँ पे सफिशिएंट है फॉर डिफेक्ट्स इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट है वाइडर स्कोप। इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो टैक्स बेस है उसको और वाइड करना, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट है मोर डायरेक्ट टैक्सेस लेके आने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। इसके फर्दर 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है कि जो टैक्स नहीं देना चाहता उसको पेनल्टी लगाई जाए। सेकंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स एफिशिएंट बनाए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर मैक्सिमम रेट होगा टैक्सेस का तो यहाँ पे टैक्स इवेशन इन्वॉल्व होगी, तो यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वो कम किया जाए।
प्रोग्रेसिव पॉइंट भी हमारा कवर हो चुका है, बस इसमें ये देख लेना कि जो रिच है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, पुअर को कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स लगाना शुरू किया जाना चाहिए एट प्रोग्रेसिव रेट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर। जो टैक्सेशन सिस्टम है वो सूटेबल होना चाहिए और एनकरेज करें इन्वेस्टमेंट को इन प्राइवेट सेक्टर में, ताकि इंक्रीज करें प्रोडक्शन इन कंट्री। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे एनकरेज होनी चाहिए एंड कुछ स्पेशल एग्जाम्पशंस देनी चाहिए ताकि अट्रैक्ट कर सकें फॉरेन कैपिटल। यूज ऑफ टैक्स रेवेन्यू, इसमें ये है जो हमारी सोशल सर्विसेज होती हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, सोशल इंश्योरेंस, ताकि पुअर पीपल की हेल्प हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे अगर चेंजेस करने पड़े टैक्सेशन सिस्टम पे, वो इस तरह होने चाहिए कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम में यही है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जब आप टैक्सेशन सिस्टम को रैशनलाइज कर रहे हो। एक तो ये ब्रॉड बेस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये प्रोग्रेसिव नेचर का, यहाँ पे जैसे जितना वो कमा रहा है उतना ही उसका रेट लगेगा। नेक्स्ट है कि ये एनकरेज करेगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो फॉरेन ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। एंड जो टैक्सेशन सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे कम रेट का टैक्स लगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका क्विक सेटलमेंट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे जो टैक्स डिस्प्यूट्स होंगी वो अच्छे से और ईजिली यहाँ पे सेटल होनी चाहिए। ये बेस करता है कि आपका ट्रिब्यूनल कैसे इस्टेब्लिश हुआ है।